का, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी समुदाय को लेकर चले हैं कि वो वोट की चिंता जो है बिल्कुल जो है नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। मोदी जी मुस्लिम को जगह देते हैं कहाँ? अच्छा। जब मुसलमानों की बात आते हैं, मुसलमानों को तो भेड़ और बकरी समझ गए हैं। हालांकि गुलाम रसूल बलियावी जी हैं, तारिक अनवर जी हैं, किसी को भी शामिल करना चाहिए था मंत्रिमंडल में, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं किया। अभी जब से गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, नीतीश जी का कुछ चल ही नहीं रहा है ना, इसमें तीनों तरफ से घेर के मारा गया उनको। पहले ये जो चाहते थे वो होता था, अब ये जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। वजह यही है कि बीजेपी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबका बर्बाद हो रहा है, साथ नहीं हो रहा है, मुसलमानों को अलग थलग कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और एनडीए की सरकार भी फिर से बन चुकी है। नीतीश कुमार फिर से ताजपोशी कर मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं। एक बार फिर से बागडोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है। विकास के नाम पर वोट मांगा और जनता ने भी आशीर्वाद दिया। खैर, मंत्रिमंडल पर जो पेज फंसा था वो भी क्लियर हो चुका है, पर अब एक सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीतीश सरकार में किसी एक भी मंत्री जो है वो मुस्लिम कोटे से नहीं है, वो सवाल उठने लगे हैं। तो आखिर क्या कारण है? आइए मुसलमानों से ही जानते हैं उनकी राय कि इस बार मंत्रिमंडल में एक भी चेहरा मुस्लिम नहीं है। जनाब क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शकील, समस्तीपुरी हुआ। अच्छा, एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, इस बार उनके मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है? निश्चित तौर पे मुस्लिम चेहरा तो अभी आपको जो है देखने में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले कल में जो है मुस्लिम चेहरा भी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी समुदाय को लेके चले हैं और कोई ऐसा समुदाय वंचित नहीं है जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया है, और कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिनको जो है सहभागिता और सहायता नहीं मिला। क्या लगता है क्या कारण है? कोई मुस्लिम चेहरा वैसा दिख नहीं रहा नीतीश कुमार को जिसे वो मंत्रिमंडल में शामिल कर पाए? है आपको तो है ही, आपको खालिद अनवर साहब हैं, गुलाम गौस साहब हैं, तनवीर अख्तर साहब हैं, और क्या कहते हैं बलियावी साहब हैं, क्यों नहीं है? फिर लिया तो है। अब ये इसका जो है अभी तो आपको सरकार बैठी ही है, बैठने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। और फिलहाल अभी जो है आपको अशोक चौधरी जी को दिया गया है अल्पसंख्यक का विभाग, और वो एक अच्छे परिपक्व जो है नेता भी हैं, उनको दिया गया, उनके बाद फिर जो है बंटवारा होगा। क्योंकि अशोक चौधरी जी को दिया गया पर कोई मुस्लिम चेहरे को नहीं दिया गया, क्या मुस्लिम चेहरे को दूर रखा जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ऐसा नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कॉल है जो मैंने शुरू से ही देखा है कि वो वोट की चिंता जो है बिल्कुल जो है नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं कि जब तक वो बिहार में है तब तक समाज में सौहार्दपूर्ण शांति वातावरण बना रहेगा, विकसित बिहार अग्रसर की ओर रहेगा और विकास के लिए तो वो तो जाने ही जाते हैं। चेहरे को शामिल बिल्कुल 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 करेंगे, मुस्लिम चेहरा को शामिल क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी का समझिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये, समझा ना, उनने तो ऐसा किया ही नहीं कि किसी मुस्लिम चेहरे को वहाँ तक लेके जाए, तो एकदम मुस्लिम चेहरे को बिल्कुल हटा दिए, साइड कर दिए वो। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि गुलाम रसूल बलियावी जी हैं, तारिक अनवर जी हैं, किसी को भी शामिल करना चाहिए था मंत्रिमंडल में, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं किया। क्या लगता है एनडीए बीजेपी जेडीयू दोनों साथ में अलायंस में है, तो बीजेपी के डिसीजन है ये? डिसीजन बीजेपी का ही होगा ये, इसलिए नीतीश जी ऐसा नहीं कर सकते। जब भी नीतीश जी की सरकार बनी है मंत्रिमंडल में थे, पहले भी थे लोग, लेकिन अभी जब से गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, नीतीश जी का कुछ चल ही नहीं रहा है ना इसमें। नीतीश जी तो समझ लिए कठपुतली बने हुए उसके अंदर, वो भी समझ रहे हैं कि बोझ है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जाएं तो जाएं, किस तरफ जाएं, ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन होता तो वो यूज करते। आरजेडी से निकल के गठबंधन तो यहाँ है बीजेपी के अंदर, अब यहाँ से भी निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई चारा नहीं है उनको, उनको तो घेर के मारा गया है, तीनों तरफ से घेर के मारा गया है उनको। पहले तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन था, उसका लोजपा अलग कर दिया उनको, जितना सीट पर ये कैंडिडेट उतारे उतने ही सीट पर वो भी कैंडिडेट उतारे, तो इसको तो घेर के मारा गया नीतीश जी को। क्या लगता है नीतीश जी शामिल कर पाएंगे मुस्लिम चेहरा को मंत्रिमंडल? हाँ हाँ, इंशाल्लाह करेंगे, वो तो ऐसा करेंगे, उन पर भरोसा है, हम मुसलमानों को उन पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो असंभव है, जो संभव है वही वो करेंगे। उनके बात में डिसीजन में दम है, उनके बात में दम रहता है हमेशा, पहले भी थे अब भी है, अब विश्वास हमको है कि नीतीश जी अच्छा करेंगे। लगातार हम मुस्लिम भाइयों से जुड़ रहे हैं और उनके विचारों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार की ताजपोशी हो चुकी है, मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी शामिल हो चुके हैं, पर अब तक कोई मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ जनाब? मोहम्मद तारिक अनवर। तारिक अनवर जी, अब तक कोई भी मुस्लिम चेहरा
मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ, इसे कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं कि इसमें किसी को जगह नहीं मिलता है मुसलमानों को, और क्या कहा जाएगा, जगह नहीं मिलता है इसके में। ठीक है, नेता हैं, इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, कोई आवाज़ उठेगा तो मुस्लिम चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुख्यतः कारण क्या लगता है? मुख्यतः कारण तो क्या है इसका, तो मतलब सरकार ही बताएगी अब इसका, लेकिन हमको नहीं लगता कि मतलब मुसलमानों को ज़्यादा यहाँ रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। लगता चेहरे नहीं हैं एनडीए खेमे में मुस्लिम के कोई वैसे बड़े चेहरे? चेहरे तो हैं, ऐसा ऐसा बात तो नहीं कि नहीं चेहरे हैं, लेकिन उनको बनाना ज़रूरी नहीं समझा जाता है। ठीक है, चेहरा है लेकिन उनको बनाना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। अब देखिए आने वाला दिन में क्या होता है। नीतीश कुमार जी हमेशा से पिछले अगर सरकार की बात करें तो सभी को लेकर चलते रहे हैं और हमेशा सभी के साथ चलते रहे हैं, मगर इस बार क्या लगता है? इस बार उतना अच्छा इनका मतलब ये रिस्पॉन्स नहीं है इनका, नीतीश कुमार का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है जो अगले बार था इनका, जब से ये भागे हैं आरजेडी को छोड़कर, उस वक्त से इनका मतलब दबाव में काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने इसके में काम नहीं कर रही है। किनके दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? जिसके साथ सरकार बनाया है इन्होंने, यार किनके साथ करेंगे? बीजेपी के दबाव। जी हाँ, आप पहले ये जो चाहते थे वो होता था, अब ये जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। अच्छा, यानी एनडीए की जो अलायंस है कहीं ना कहीं उसके दबाव में? दबाव में नीतीश कुमार है, अबर तो पूरा दबाव में रहेंगे ये। अच्छा, अबर तो इनके दबाव में काम कर नहीं होगा, इसलिए कि एक दल के हटने का मतलब सरकार गिरेगी, सबको लेकर चलना होगा, बहुत मुश्किल इनके लिए अबर होगा। ये जनाब और भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जनाब आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम। एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार जी की ताजपोशी हो गई, मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे को भी शामिल कर लिया गया, पर कोई भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं किया गया, कैसे देख रहे हैं? क्या ये तो सरासरी जो है नीतीश कुमार के चालीसी है, जो उन्होंने एक भी मुस्लिम नेता को नहीं लिया। इलेक्शन में उन्होंने कहा कि सबको हम साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। कारण क्या देखते हैं, फैक्टर क्या है? कारण क्या है, वो किसी के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। किसके दबाव में नीतीश कुमार जी काम? बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं। अच्छा, लगता है आपको कि बीजेपी के दबाव में ही मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया? वजह यही है कि बीजेपी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया है। पर बीजेपी ये कहती रही है कि हम सभी समाज सभी वर्गों को एकजुट कर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं, वो सब उनका खाली बतौला है, करना कुछ नहीं है। और ये देखिए क्या होता है, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। क्या लगता है चाचा कि शामिल किया जाएगा मुस्लिम चेहरों को या मंत्रिमंडल से दूर रखा जाएगा? हमको तो लगता है कि मंत्रिमंडल से दूर रखा जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, चूँकि उनका जो रवैया है और जो उनकी पॉलिसी है उसे एक भी मुस्लिम को नहीं लिया जाएगा। एनडीए के में बड़े चेहरे देखते हैं मुस्लिम के जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए? चेहरे हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जो उनको एनडीए में शामिल किया जा सकता है, और उन्होंने चुनाव भी इसी पर लड़े थे कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। आप लोगों ने भी यही समझकर उन्हें चुना किया? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनके शुरू से सपोर्टर थे और आखिर तक सपोर्टर रहे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कोई कदम उठाया ही नहीं। न्यू मार्केट ये मार्केट कहलाता है और ठीक स्टेशन के बगल में जामा मस्जिद है और पिछले वाले द्वार के पास हम खड़े हैं। यहाँ पर एक यूथ हमारे साथ है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज आलम हुआ। अफरोज भाई ये बताइए कि नीतीश की सरकार बन गई, ताजपोशी हो गई, एनडीए गठबंधन में सरकार बनी है, मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे आए पर मुस्लिम चेहरा कोई दिख नहीं रहा, अब तक शामिल नहीं किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए जहाँ तक मुस्लिम की सवाल है, मुस्लिम में तो बहुत सारे चेहरे हैं, केंद्र में भी मुस्लिम में बहुत सारे सांसद लोग हैं, मगर मोदी जी मुस्लिम को जगह देते हैं कहाँ? जब मुसलमानों की बात आते हैं, मुसलमानों को तो भेड़ और बकरी समझ गए हैं, तो जिधर हका दो उधर चले जाएंगे। मुसलमान को एक मौका देना चाहिए ना, बहुत पुराने भी मंत्री हैं मुसलमान में, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, कहाँ उनको मौका मिलता है? ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका विकास हो रहा है, साथ हो रहा है, किसी को लेके नहीं चलते हैं, मुसलमान को तो अलग थलग करे हुए हैं। क्या लगता है शामिल किया जाएगा या नयास है? हमको तो उम्मीद लगती है कि इसमें शामिल करनी चाहिए केंद्र में, मगर यहाँ तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमानों को लेना ही नहीं चाहते मोदी जी। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबका बर्बाद हो रहा है, साथ नहीं हो रहा है, मुसलमानों को अलग थलग कर दिया गया है। केंद्र में बहुत सारे पुराने मुसलमान हैं, उनको एक जगह देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए ताकि वो भी मंत्री बन सके, मगर मोदी जी नहीं लेते मुसलमानों को। नीतीश कुमार जी तो सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेकर चलते रहे हैं अब तक,
क्या नीतीश कुमार जी से आस है, क्योंकि आप मोदी जी से नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी से खुश हैं? नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार में कहाँ एक को जीते हैं मुसलमान, अगर वो जीतते तो जरूर नीतीश कुमार मंत्री बनाते हैं। एक को मुसलमान मंत्री कहाँ बना है, एक को सीटें नहीं आया तो कहाँ से बनाएंगे। अच्छा, विपक्ष की बात है तो उसमें सारे बहुत सारे मुसलमान है तो वो बन नहीं सकेंगे। लालू की सरकार रहती तो उसमें बहुत सारे मंत्री रहते हैं, हाँ उनको चांस भी मिलता। अभी तो लालू की सरकार है नहीं, जब आएगी तो मंत्री बनेंगे मुसलमान। यानी उम्मीद खो चुके हैं कि मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा है? हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी कायम है। देखिए अभी क्या होती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अच्छा। हो सके चांस मिले इनको भी। अच्छा। अगर लालू की सरकार आएगी तो मंत्री बनेंगे मुसलमान लोग, अभी तो उम्मीद नहीं है फिलहाल। अभी भी मौका है, कभी भी सिक्सर लग सकता है। हाँ लग सकता है। अच्छा, कभी भी सिक्सर लग सकता है, ये सब लोग जान रहे हैं, मगर चांस देनी चाहिए एक बार। चलिए नेक्स्ट टाइम उनका होगा मौका। अच्छा। हम लोग को उम्मीद है इस बात पर, नेक्स्ट टाइम मिलेगा मौका, ये उम्मीद है। खैर कुछ लोगों का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रेशर में है, क्योंकि सीटें कम आई हैं और इसको लेकर नोकझोंक जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है। पर देखने वाली बात ये होगी कि मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हैं पर अब तक कोई मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं किया गया है। क्या आने वाले वक्त में मुस्लिम चेहरे को भी जगह मिलेगा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, ये भी देखने वाली बात होगी। हम तमाम तस्वीर लगातार अपडेट भी करते रहेंगे, पर लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी समुदाय को लेके चले हैं कि वो वोट की चिंता जो है बिल्कुल जो है नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। मोदी जी मुस्लिम को जगह देते हैं कहाँ? अच्छा। जब मुसलमानों की बात आती है, मुसलमानों को तो भेड़ और बकरी समझ गए हैं। हालांकि गुलाम रसूल बलियावी जी हैं, तारिक अनवर जी हैं, किसी को भी शामिल करना चाहिए था मंत्रिमंडल में, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं किया। अभी जब से गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, नीतीश जी का कुछ चल ही नहीं रहा ना, इसमें तीनों तरफ से घेर के मारा गया उनको। पहले ये जो चाहते थे वो होता था, अब ये जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। वजह यही है कि बीजेपी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबका बर्बाद हो रहा है, साथ नहीं हो रहा है। मुसलमानों को अलग थलग कर दिया गया है।